हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एजुकेशन। आज हम लोग बहुत ही शानदार सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या फिर इसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग आज मेटल कटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, वेल्डिंग है, कास्टिंग है, मशीनिंग है और मेटल कटिंग भी है। तो मेटल कटिंग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा सिलेबस है। इसमें हम लोग अपने गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टडी करेंगे। जो भी इन दोनों के सिलेबस में कमेंडली जो भी आएगा वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, एक भी पॉइंट हम लोग मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और बाकी इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ने का शौक है या फिर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने का, तो आप इंटरनेट के थ्रू उसमें देख सकते हो। लेकिन बेसिक्स आपके मैं सारे क्लियर कर दूंगा, जो भी आपके प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं, ठीक है। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस क्या होता है आपका प्रोडक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में। दोनों आपको सिमिलर जैसा लगता होगा कि दोनों सेम सेम है, लेकिन सेम नहीं है। देखो, प्रोडक्शन में क्या होता है कि आपने कुछ इनपुट दिया और कुछ आउटपुट आपको मिल गया, वो प्रोडक्शन हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आपने एक रॉ मटेरियल लाया, ठीक है। रॉ मटेरियल से कुछ प्रोसेसिंग किया और बीच में प्रोसेसिंग के बाद जो हुआ वो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया, तो इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इसे कहते हैं प्रोडक्शन। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक टाइप का प्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें भी हमने एक इनपुट दिया है रॉ मटेरियल और आउटपुट हमारा फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है। लेकिन प्रोडक्शन हमारा मैन्युफैक्चरिंग सारा सब हर प्रोडक्शन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता। देखो, सपोज आपने एक स्कूल में एडमिशन लिया, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। आपने वहाँ पर 11th की पढ़ाई की, 12th की पढ़ाई की, उसके बाद स्कूल छोड़ के निकल गए, तो स्कूल वाला ये बोल सकता है कि दिस स्टूडेंट इज द प्रोडक्शन ऑफ दिस स्कूल, ठीक है। लेकिन वो स्कूल वाला ये नहीं बोल सकता कि यू आर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस स्कूल, ठीक है। वो प्रोडक्शन बोल सकता है कि ये प्रोडक्शन का है, ठीक है, आप इस स्कूल के प्रोडक्शन हो। जैसे आपने कोचिंग भी किया कहीं पे, तो कोचिंग वाले भी बोल सकते हैं कि ये इस कोचिंग के प्रोडक्शन है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स है जो अच्छे अच्छे पोजिशन में पहुँच जाते हैं, बोलते हैं कि ये इस कोचिंग के प्रोडक्शन है, तो वहाँ पर प्रोडक्शन यूज हो सकता है। तो एक तरह से ये समझो प्रोडक्शन जो है वो बड़ा हो गया, मतलब काफ़ी बड़ा चीज़ हो गया, और इसका सबसेट हो गया मैन्युफैक्चरिंग। ये प्रोडक्शन बड़ा हो गया, ठीक है, ये सेट हो गया तो ये सबसेट हो गया इसका। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, लाइक शेपिंग एंड फॉर्मिंग, जिसे हम लोग जीरो प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें मास का कोई चेंज नहीं होता है। सपोज एक राउंड बार है, इसे हमें स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का बार बनाना है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे, न्यूमेटिक हैमरिंग करेंगे या हाइड्रोलिक हैमर जो भी करेंगे, तो हैमरिंग करके इसका डिफॉर्मेशन करेंगे, तो डिफॉर्मेशन होगा लेकिन मटेरियल रिमूव तो नहीं होगा या फिर मटेरियल का एडिशन तो नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग जीरो प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि कोई मटेरियल का चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस, एक वेल्डिंग प्रोसेस है। वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिलर मटेरियल यूज करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन यानी कि प्लस, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं, इसमें एकुमुलेशन ऑफ मास हो रहा है। नेक्स्ट इज मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग में क्या है, आपका एक पास एक बड़ा मटेरियल आप लाए, इसे आपको इतना छोटा बनाना है, ठीक है, तो आप इसके एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करोगे मशीनिंग के थ्रू, तो इसमें क्या हो रहा है, आप मटेरियल को रिमूव कर रहे हो यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये नेगेटिव प्रोसेस हो गया, क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ मास है। नेक्स्ट आपका रीजेनरेटिव मैनुफैक्चरिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। इसमें क्या होता है, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग लेयर बाय लेयर फॉर्म करके उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। जैसे सपोज आपका एक ये है एक क्यूबॉइड है, सपोज, ठीक है, 3D में एज्यूम कर लो ये क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड बनाना है तो आप या तो एक बड़ा सा मटेरियल ले आओ, उसको मशीनिंग कर करके ये क्यूबॉइड बना दो, या फिर क्यूबॉइड का बेस डिफाइन कर दो कि इसका बेस जो है वो स्क्वायर है मान लो, ठीक है, तो स्क्वायर है, स्क्वायर शेप के बहुत सारे प्लेट्स ला ला कर इसके ऊपर आप बिठाते जाओ लेयर बाय लेयर, तो यहाँ पर आपका एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो ये सिमिलरली इसी टाइप का प्रोसेस है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ये न्यू टेक्नोलॉजी और काफ़ी ज़्यादा यूज हो रही है। इसमें क्या होता है, एक्यूरेशन प्रिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सरफेस फिनिश बहुत अच्छा होता है, इसमें ब्लैंस की जरूरत नहीं है, टूल लेस है और इजीली ऑटोमेटेड है, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म के भी होता है, लिक्विड रैपिड प्रोटोटाइपिंग भी होती है, पाउडर के फॉर्म में होता है, सीट के फॉर्म में होता है, या फिर वायर के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। इसमें हम लोग स्टीरियो लिथोग्राफी यूज करते हैं लिक्विड के फॉर्म में, फिर पाउडर के फॉर्म में सेलेक्टिव सिंटरिंग प्रोसेस यूज करते हैं, तो ये सब अगर आप इसमें और डेप्थ में जाओगे तो फिर इसके बारे में पढ़ लोगे। इसके बारे में बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता है ये, ठीक है, और इसका हम लोग इसमें बहुत ही जल्दी प्रोडक्शन भी हो जाता है, काफ़ी फास्ट होता है, प्रोडक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मेटल कटिंग में। अब हम लोग मेन अपने सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, ठीक है, मेटल कटिंग हमारा मेन कंसर्न एरिया है, तो मेटल कटिंग में कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हम लोग एक बार फिक्स कर दिए तो फिक्स कर दिए, अब उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह से आएगा। जैसे देखो, वर्क एंड टूल हमने एक बार ले लिया, ठीक है, टूल की ज्योमेट्री फिक्स कर दी, किसका रेक एंगल क्या होगा, क्लियरेंस एंगल क्या होगा, टूल नोज रेडियस क्या होगा, साइड कटिंग एज एंगल क्या होगा, ठीक है, सब कुछ फिक्स कर दिया। कटिंग वेलोसिटी फिक्स कर दी, 500 RPM पर हमें रोटेट करना है। फीड हमने फिक्स कर दिया कि सपोज 24 mm पर रिवोल्यूशन से रोटेट करेगा हमारा कटिंग टूल। डेप्थ ऑफ कट हमने फिक्स कर दिया। लुब्रिकेशन हमने फिक्स कर दिया कि हमारा लुब्रिकेंट किस टाइप का होगा, कौन सा लुब्रिकेशन वायर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है।
अब उसके बाद हमारा फोर्स और पावर का रिक्वायरमेंट कितना होगा ये हमारा डिपेंड करेगा। अगर हम लोग कुछ भी इसमें से चेंज करते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना राइज करेगा, ठीक है, कटिंग में, ये आपका लुब्रिकेशन पर डिपेंड करेगा। सरफेस फिनिश आपका कितना अच्छा आएगा, ये आपका कटिंग वेलोसिटी, फीड और डेप्थ ऑफ कट पर डिपेंड करेगा। अब सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है ये भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये एनालिसिस ऑफ कटिंग टूल, हम लोग देखेंगे ये। नेक्स्ट हमारा देखिए, इसमें काफ़ी कुछ लिखने का था, ठीक है, मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में, लेकिन मैंने एक अच्छा सा नोट्स बनाया था तो मैंने उसकी फोटो लेकर के यहाँ पे पोस्ट कर दिया, उसी को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। मैं हर एक चीज़ डिस्कस करूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑर्थोगोनल मशीनिंग। देखिए मेनली दो तरह की मशीनिंग प्रोसेस होती है, एक ऑर्थोगोनल और एक ऑब्लिक। ऑर्थोगोनल आपको पता है 90 डिग्री समथिंग होगा, ऑब्लिक में 90 डिग्री के अलावा जो भी होगा। तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्थोगोनल कटिंग है उसमें एक चीज़ आपको बेसिक चीज़ याद रखनी है, कटिंग एज आपका कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर है तो वो ऑर्थोगोनल मशीनिंग है, लेकिन ये एक कंडीशन सिर्फ है। अगर केवल ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो ऑर्थोगोनल मशीनिंग होगा। क्यों नहीं होगा उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे देखो आपने सेविंग करते हैं ना, सेविंग, तो सेविंग में आप ये ब्लेड है आपका, ठीक है, और आप चेहरे पे आपका ब्लेड ऐसे मूव कर रहा है तो वो भी तो 90 डिग्री मूव कर रहा है, ठीक है, आगे मूव कर रहा है ऐसे, ये ब्लेड है तो ये इसे भी ऑर्थोगोनल मशीनिंग बोल सकते हैं, लेकिन इसे नहीं बोलते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जो आपका फेस है उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। ऑर्थोगोनल मशीनिंग में एक और केस आता है कि ये आपका अगर वर्क पीस है और आपका ये अगर टूल है, कटिंग ये एज ये है और आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो फिर ये ऑर्थोगोनल कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वर्क पीस की उससे ज़्यादा है कटिंग एज का लेंथ, तो ये होना जरूरी है तभी वो ऑर्थोगोनल कहलाएगा, ठीक है। बहुत सारे इसे कंडीशन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका अनमशीन्ड सरफेस है, जो मशीन होना ही बाकी है, ये आपका ऑलरेडी मशीन हो चुका है वो सरफेस है। फिर ये आपका टी थिकनेस है, मतलब यहाँ तक आपको डेप्थ ऑफ कट आपने प्रोवाइड करा दिया, मतलब इतना मटेरियल हमें रिमूव करना है, तो टी आपका हो गया अनकट चिप थिकनेस, जो कटा हुआ नहीं है। फिर ये आपका चिप हो गया, जो मशीन करने के बाद ये आपका टूल है ब्लैक कलर का, देख सकते हो ये टू चिप आपका जो निकल चुका है, तो चिप का थिकनेस हो गया TC, यानी कि चिप थिकनेस, ठीक है, TC उसे डिनोट करेंगे। ये आपका सीयर प्लेन है। सीयर प्लेन क्या होता है, देखो जो भी आपका मटेरियल रिमूव होता है ना वो डिफॉर्मेशन की वजह से होता है, सीयर प्लेन, सीयर स्ट्रेस की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन आता है और वहाँ से ब्रेक करता है, तो इस प्लेन पे ब्रेक होता है चिप का, ठीक है, तो इस प्लेन को हम लोग सीयर प्लेन बोलते हैं। अब दो तरह के इसमें प्लेन होते हैं, प्राइमरी सीयर प्लेन और सेकेंडरी सीयर प्लेन। तो ये आपका सीयर प्लेन है और इसके बीच वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, प्राइमरी सीयर प्लेन क्या होता है, सेकेंडरी सीयर प्लेन क्या होता है, कहाँ पर ज़्यादा हीट जनरेशन होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब सीयर प्लेन का और मशीन सरफेस का जो एंगल है वो फाई कहलाता है, इसे हम लोग सीयर एंगल बोलते हैं, और ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, आपके हर एक न्यूमेरिकल में आपको इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी एक शानदार सा फॉर्मूला है, वो हर जगह यूज होता है। नेक्स्ट आपका रेक सरफेस। टूल के जिस फेस से चिप बाहर की तरफ निकलेगा वो फेस कहलाता है रेक फेस, ठीक है, और ये आपका क्लियरेंस फेस है, या इसे फ्लैंक फेस भी बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग मशीन सरफेस से थोड़ा सा इसे अलग रखते हैं, ताकि अगर ये दोनों चिपका हुआ रहेगा तो फ्रिक्शन हो जाएगा, रबिंग हो जाएगा, रबिंग होगा तो मशीन का जो सरफेस है वो काफ़ी डिटेरिएट हो सकता है, यानी उसका सरफेस फिनिश खराब हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग एक एंगल प्रोवाइड करा, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस एंगल, जो आपका क्लियर सरफेस या फिर मशीन सरफेस के साथ आपका फ्लैंक फेस का जो एंगल है वो क्लियरेंस एंगल कहलाता है, और जो रेक फेस के साथ आपका रेफरेंस प्लेन का एंगल है रेक एंगल कहलाता है, ठीक है। अब सबको डिनोट करने का तरीका, अल्फा से डिनोट किया मैंने रेक एंगल को, कई बहुत सारे बुक में गामा से डिनोट किया रेक एंगल को, आप किसी एक को एज्यूम कर लो, ठीक है, उसी पे चलो, इधर उधर भटकोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कभी भी गामा को बोलोगे, कभी अल्फा को बोलोगे, आप एक बार दिमाग में बैठा लो कि मुझे अल्फा को लेना है या फिर गामा को लेना है, और फिर उसी पे चलते जाओगे, ठीक है। मैंने यहाँ अल्फा को लिया, तो अल्फा रेक एंगल है, गामा आपका क्लियरेंस एंगल है, फाई सीयर एंगल, साई लीप एंगल। लीप एंगल क्या होता है, देखो ये आपका कटिंग टूल है, ठीक है, आपका रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल तो पता चल गया, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये टूल का मटेरियल होता है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग लीप एंगल। ये जितना ज़्यादा होगा ऑब्वियसली बात है मटेरियल जो टूल होगा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें मटेरियल ज़्यादा होगा, तो मटेरियल ज़्यादा होगा तो टूल की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, टूल ज़्यादा मजबूत होगा। चिप थिकनेस हो गया TC और अनकट चिप थिकनेस टी हो गया। अब आपका ऑर्थोगोनल कटिंग के केस में हम लोग डी को डेप्थ ऑफ कट लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये टर्निंग के केस में नहीं लेंगे, टर्निंग के केस में हमारा फॉर्मूला दूसरा हो जाता है। ये अगर लेते हैं सिर्फ ऑर्थोगोनल कटिंग के केस में, डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल टू अनकट चिप थिकनेस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया कि सीयर स्ट्रेस की वजह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से TC ज़्यादा होता है, क्योंकि डिफॉर्मेशन होगा तो एक लेंथ बढ़ेगी एक लेंथ कम होगी, ठीक है, तो जो थिकनेस होता है चिप का वो ज़्यादा हो जाता है अनकट चिप थिकनेस से। और ये जनरली देखा जाता है जो TC होता है चिप थिकनेस वो 2 to 3 times होता है ज़्यादा इससे मतलब अनकट चिप थिकनेस से। ब्रिटल मटेरियल केस में ये सेम रहेगा, क्योंकि उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि ब्रिटलनेस होता है उसमें ज़्यादा, ठीक है, तो ये जैसा रहेगा वैसा ही एज इट इज आएगा। इसमें आपका देखिए ऑर्थोगोनल कटिंग हो रहा है तो उसके इसमें आप T=D ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऑर्थोगोनल कटिंग नहीं है, सपोज एक तरह से टर्निंग प्रोसेस हम लोग करते हैं, ठीक है,
टर्निंग। तो टर्निंग प्रोसेस केस में आपका अल्फा लेमडा दिया रहेगा और प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल और फिट दिया रहेगा एफ, तो वहाँ से आप अनकट चिप थिकनेस टी निकाल सकते हो, एफ साइन लेमडा। बी आपका विड्थ ऑफ वर्क पीस है वो निकाल सकते हो। रेक सर्फेस क्या होता है, रेक सर्फेस अभी मैंने बताया जिसके बाद चिप फ्लो करता है वो आपका रेक सर्फेस हो गया। रिलीफ एंगल क्या होता है या फ्लैंक सर्फेस क्या होता है, जिसके बाद मशीन सर्फेस से हम लोग एक डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं टूल का, तो उसके बीच में जो एंगल होता है उसे रैक उसे क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, और जो ये फेस होता है उसे हम लोग रिलीफ फेस या फिर फ्लैंक फेस बोलते हैं या क्लियरेंस फेस भी बोलते हैं। ये हम लोग यूज करते हैं ताकि किसी तरह की रबिंग ना हो सरफेस, मशीन सरफेस और टूल के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है रेक एंगल क्या होता है। तो सिंपल है, अभी रेक अभी मैंने आपको बताया रेक सरफेस और रेफरेंस प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो रेक एंगल होगा, और जो क्लियरेंस सरफेस और मशीन सरफेस के बीच का या फिनिश सरफेस के बीच का एंगल होगा वो क्लियरेंस एंगल होगा। अभी देते किस लिए, रेक एंगल देते ये चिप का फ्लो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, फिर कटिंग फोर्स रिड्यूस होगा जितना ज़्यादा आप रेक एंगल दोगे, पावर कंजम्पशन रिड्यूस होगा, फिर जितना ज़्यादा रेक एंगल रहेगा उतना टूल आपका शार्प रहेगा, तो जितना ज़्यादा शार्प रहेगा उतना ज़्यादा आपका इजीली आप कट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखो आपका चाकू है, ठीक है, नाइफ है, तो नाइफ की एज को आप बार बार देखो उसे क्लीन करते हो या फिर आप पत्थर पर रगड़ के उसकी एज को और ज़्यादा शार्प करते हो, तो जितना शार्प होता है उतना इजीली आप सब्जी को काट सकते हो, आलू टमाटर जो भी काटना है काट सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे कई बार यूज करते करते चाकू की नोक जो होती है वो धार जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो उसमें क्या होता है उसका जो रेक एंगल होता है ना वो कम हो जाता है, तो रेक एंगल कम होने की वजह से आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है सिंपल आलू काटने के लिए भी, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्लियरेंस एंगल है, क्लियरेंस एंगल यूज करते हैं फ्रिक्शन और टूल वेयर को रिड्यूस करने के लिए, और उससे टूल लाइफ भी इंक्रीज होती है। जो आपका क्लियरेंस एंगल है वो 3 से 15 डिग्री तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा आपका टूल कमजोर हो जाएगा। देखो जैसे आपने रेक एंगल फिक्स कर दिया कि रेक एंगल हमारा इतना है, ठीक है, अब आपका ये टूल है, अब टूल को अगर आप यहाँ तक दोगे क्लियरेंस एंगल तो ये भी आपका मतलब वाजिब नहीं है क्योंकि ये पूरा रब हो जाएगा सरफेस। अगर बहुत ज़्यादा दे दिए तो इतना पतला टूल हो जाएगा कि ये कमजोर रहेगा, ये तो इजीली टूट जाएगा, तो एक्सेसिवली जो आपका क्लियरेंस एंगल है वो टूल को कमजोर कर देता है, ठीक है। इतना आप याद रखो सिंपल, तो बहुत ज्यादा नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है, जितना डिजायर्ड है 3 से 15 डिग्री के बीच का उतना आप दे सकते हो। नेक्स्ट है टर्निंग ऑपरेशन, एक ऑब्लिक कटिंग है, ठीक है, इसलिए हम लोग अभी आपको बताया कि जो अनकट चिप थिकनेस निकालते हैं वो एफ इंटू साइन लेमडा से निकालते हैं। लेमडा यहाँ पे प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल है। जो कटिंग वेलोसिटी होगी आर इंटू ओमेगा, ओमेगा आपका निकल जाएगा रेडियन पर सेकंड में, या फिर आरपीएम अगर दे रखा है तो वहाँ से आप 2πn/60 करके निकाल सकते हो ओमेगा की वैल्यू। नेक्स्ट आपका फीट दे रखा है एफ इंटू एन एमएम पर मिनट में, फीड है आपका एमएम पर रिवॉल्यूशन में, एफ आर एन आपका आरपीएम है वर्कपीस का। जो डेप्थ ऑफ कट निकालते हैं वो D1-D2/2 निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, देखो ये आपका वर्कपीस है, ठीक है, अगर आपने टूल यहाँ तक डेप्थ ऑफ कट दे रखी है तो ये आपका यहाँ से कट करता हुआ टूल रोटेट करेगा, तो आपने अगर डेप्थ ऑफ कट यहाँ दिया है तो ये आपका एक्स और ये एक्स, तो 2x आपको कट करेगा डायमेट्रिकली, ठीक है। रेडियस वाइज देखो तो एक्स कट करेगा, लेकिन अगर आप डायमीटर को लो तो ये 2 times कट करेगा, तो ये आपका पहले था सपोज ये D2 था, D1 था सपोज, ठीक है, तो D1 और ये आपका अब D2 हो गया, तो D1-D2/2, क्योंकि ये दोनों साइड कट कर रहा है, तो यहाँ से आपका डेप्थ ऑफ कट फाइनली आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेक एंगल पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में डायरेक्टली कई बार पूछ चुका है मेंस के एग्जाम में कि आपका जो रेक एंगल है उस पर डिस्कशन करो कि नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो रेक एंगल कहाँ यूज होता है, किस लिए यूज होता है और क्या क्या है उसके बारे में, ठीक है, तो मैं इस पर आपको अच्छे से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो रेक एंगल देखो सबसे पहले ये ध्यान रखो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव रेक एंगल आपका 5 से 30 डिग्री तक होता है और जीरो तो जीरो होता है, नेगेटिव रेक एंगल भी आपका हो सकता है। अब कहाँ यूज़ करते हैं तीनों एंगल को वो देख लो। सबसे पहले पॉजिटिव रेक एंगल हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमारा कटिंग फोर्स रिड्यूस करना हो या पावर कंजम्पशन कम करना हो। ये किसके लिए रिकमेंडेड है, जो लो स्ट्रेंथ का वर्कपीस है जिसके स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो हमारा कटिंग फोर्स कम से भी काम चल जाएगा, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल यूज करेंगे। लो पावर मशीन है, यानी कि ऐसी मशीन जिसमें कम पावर दिया जा सकता है, ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी लेथ मशीन होती है उसमें तो पावर बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, ये बहुत सारी छोटी छोटी मशीनें भी होती है जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहाँ पर हम लोग कटिंग फोर्स कम जहाँ रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा देंगे तो वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगा मशीन में, तो उतना ज़्यादा वो मशीन सह नहीं सकता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर पॉजिटिव रेक एंगल यूज़ करते हैं। अगर लॉन्ग शाफ्ट ऑफ और स्मॉल डायमीटर है, जैसे बहुत लंबी एक शाफ्ट है इसमें हम लोग मशीनिंग करना है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल का टूल यूज करते हैं। फिर ऐसे सेटअप या रिजिडिटी जिसकी कम हो या स्ट्रेंथ कम हो, यही बात होगी लेस पावर मशीन जिसकी जिसका सेटअप अच्छे से मजबूत ना हो या थोड़ा सा वाइब्रेशन से हिलने लगे, तो उस केस में हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल यूज़ करेंगे ताकि कटिंग फोर्स कम हो, पावर कंजम्पशन कम हो। कटिंग टूल जो इसमें यूज होता है वो हाई स्पीड स्टील यूज होता है, HSS उसको बोलते हैं। इसमें टेंशन और कंप्रेशन दोनों आते हैं टूल पे, ठीक है, क्योंकि
टूल जिस तरह से कट करता है ना नेगेटिव पॉजिटिव रेक एंगल में, तो टूल के सरफेस पे जिस तरह से चिप आपका फ्लो करेगा तो उस पर कंप्रेशन भी आएगा और टेंशन भी आएगा। लेकिन जब आपका रेक एंगल नेगेटिव रहेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन आएगा, क्योंकि देखो ये आपका सपोज एक थर्मोकोल है, सपोज ठीक है थर्मोकोल में आपने एक अपना नाइफ लगाया, चाकू लगाया, इस तरह से आप इसे काटे जा रहे हो तो ईजिली काट लोगे। लेकिन अगर आप चाकू इस तरह रखो और आप इस डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करो तो देखोगे इसके जो ग्रेन्स है वो उखड़ने स्टार्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब इससे जो ग्रेन्स है वो टूटने लगेगा धर 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 करके, इस तरह से आपका ये टूट जाएगा धर धर धर, ये आपका टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रिटल फेलियर होगा, और इस केस में क्या होगा, आपका कटिंग होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेगेटिव रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल, और ये आपका हो गया नेगेटिव रेक एंगल। अब जीरो रेक एंगल कहाँ यूज करते हैं, ये बहुत ही सिंपल डिजाइन के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना हो, और ये फॉर्म टूल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिर जहाँ पे हम लोग को पार्टिंग टूल वगैरह करता है या गियर कटिंग टूल यूज करते हैं ना, वहाँ पे यूज होता है। देखो ये इसमें टूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली बात है लीप एंगल ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि रेक एंगल आपका कम है। इसमें डिगिंग जो होता है टूल का वो कम हो जाता है। डिगिंग का मतलब कि वो जैसे देखो ये आपका एक थर्मोकोल का मैं एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि वो इमेजिन करना ज़्यादा इजी हो जाता है ना। देखो इसमें कटिंग टूल है, ठीक है, इसे अगर आप काट रहे हो तो ये आपका इसमें डेप्थ पेनेट्रेट भी करता जाएगा और आगे की तरफ छीलता भी जाएगा, मतलब इसे कट करता हुआ भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जीरो रेक एंगल यूज़ कर रहे हो तो और इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हो एक कटिंग टूल को, तो ये आपका क्या करेगा, डिगिंग कम होगा, इसमें मतलब अंदर की तरफ कम जाएगा क्योंकि हमने पूरा का पूरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया है। इस केस में क्या हो रहा है कि हमने इधर फोर्स तो लगाया लेकिन एक कंपोनेंट अंदर की तरफ जाएगा इसका, इस केस में अंदर की तरफ नहीं जाएगा, पूरा का पूरा कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, तो इसमें डिगिंग कम होगी, ठीक है। ब्रास और कास्ट आयरन के केस में हम लोग यूज करते हैं जीरो रेक एंगल, क्योंकि जो ब्रास के केस में क्या होता है कि काफ़ी डक्टाइल मटेरियल है ना ब्रास, तो उसमें चिप जो होता है कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है। तो ये क्या होगा, अगर होता रहेगा आप लेथ मशीन के पास ब्रास को मशीन कर रहे हो तो घूमता घूमता कहीं आप में ही ना घूम जाए, ठीक है, आपको भी अंदर ले लेगा फिर ये। तो इसलिए हम लोग इस केस में जीरो रेक एंगल यूज करते हैं ताकि इसका एक तरह से चिप ब्रेकर का भी काम करे और वो जो चिप जो निकलता जाएगा ब्रास से उसको टूटते हुए छोटा छोटा कर दे ताकि वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और ये चिप निकलता है तो काफ़ी गर्म होता है ना, काफ़ी हीट होता है, काफ़ी हॉट होता है, तो ये अगर आपके बॉडी में टच करिए तो वहाँ पर आपको ये घाव दे देगा। तो इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं जीरो रेक एंगल। कास्ट आयरन के केस में क्या होता है कि सडन इम्पैक्ट को रजिस्ट नहीं कर पाता है, जो कास्ट आयरन होता है ब्रिटल मटेरियल होता है कास्ट आयरन, तो इस केस में सडन इम्पैक्ट को रजिस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग नेगेटिव रेक एंगल इसमें यूज नहीं करते हैं। क्योंकि नेगेटिव रेक एंगल में भी मैंने आपको यहाँ बताया ना इस एग्जांपल में, जो अगर ऐसे आपने टूल रखा है तो ये आपका तोड़ता हुआ जाएगा, तो सडन इंपैक्ट को रजिस्ट नहीं कर पाता है। सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल के केस में हम लोग जीरो रेक एंगल यूज करते हैं। फिर जीरो रेक एंगल आपका गियर कटिंग मिलिंग मशीन में यूज होता है, थ्रेड कटिंग में भी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव रेक एंगल। नेगेटिव रेक एंगल क्या करता है, आपका एज स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है क्योंकि इसका लीप एंगल बहुत ज़्यादा होता है। देखो एक आपका ये टूल, ठीक है, और एक आपका नेगेटिव रेक एंगल में ये आपका टूल हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ये बड़े वाले टूल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। मैकेनिकली और थर्मली ज़्यादा स्ट्रांग होता है, थर्मली इसलिए क्योंकि इसमें जो हीट डिसिपेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, सर्फेस एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये थर्मली भी स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट है इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, ऑब्वियसली बात है लाइफ ज़्यादा होगी। फिर कटिंग फोर्स, इसमें हम लोग ज़्यादा कटिंग फोर्स जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, फिर ज़्यादा स्पीड में अगर चला रहे हैं वहाँ भी यूज कर सकते हैं, फिर ज़्यादा पावर कंजम्पशन वाला कोई मशीन है वहाँ भी यूज कर सकते हैं, हैवी इंपैक्ट लोड को भी सस्टेन कर सकता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसे रिकमेंड करते हैं हम लोग हाई स्ट्रेंथ एलॉय को मशीन करने के लिए, हाई स्पीड कटिंग, रिजिड सेटअप। टूल मटेरियल इसका सिरेमिक होता है, कार्बाइड होता है, फिर AL2 होते हैं, जैसे ये इनऑर्गेनिक टूल जो होते हैं वो सब इसमें यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को झेलने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए कंप्रेसिव फोर्स इसमें जनरेट होता है केवल इस टूल में, और इसलिए ब्रिटल टूल मटेरियल यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग एक कार्बाइड इंसर्ट भी यूज़ करते हैं। अब कार्बाइड इंसर्ट क्या होता है, देखो जैसे एक हमने टूल यूज़ कर दिया कार्बाइड का बना हुआ, ठीक है, इसमें अगर सडन इंपैक्ट आया तो ये भी टूट जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक डक्टाइल मटेरियल का एक इंसर्ट देंगे जो इसके साथ क्लैंप रहेगा टूल के साथ, और ये डक्टाइल मटेरियल करेगा ताकि इसकी टफनेस ही बढ़ जाए, और जैसे इसमें सडन इंपैक्ट आएगा तो ये अपने में उस एनर्जी को एब्जॉर्व ना करके ये इसको दे देगा डक्टाइल मटेरियल को, डक्टाइल मटेरियल तो अच्छे से उसको एब्जॉर्व कर लेगा, तो ये इंसर्ट जो यूज़ करते हैं हम लोग इसमें ताकि ये सडन इंपैक्ट को रजिस्ट कर सके, ठीक है। तो ये तो था पूरा आपका रेक एंगल, जीरो रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल और नेगेटिव रेक एंगल कहाँ यूज होता है पूरे डिटेल में। आगे बढ़ते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग। अब देखिए ऑर्थोगोनल कटिंग के बारे में मैंने अभी बोला था आपको भी डिस्कस करूंगा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट केस है कि आपका कटिंग एज जो है टूल का वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी होना चाहिए, ये तो आपको मैंने पहले बता दिया था। नेक्स्ट केस है कटिंग एज जो होता है वो वाइडर देन विड्थ ऑफ वर्कपीस होना चाहिए, यानी कि जो मैंने आपको ब्लेड का एग्जांपल बताया था कि ब्लेड आपके चेहरे पे ब्लेड की जो एज होती है उसकी लेंथ आपके चेहरे से बड़ी नहीं होती, इसलिए ये ऑर्थोगोनल कटिंग नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई
वर्क पीस इतना बड़ा है और आपका कटिंग एज इतना बड़ा है टूल का, और ये कट करता हुआ इधर जा रहा है, तो इसकी देखो विड्थ, इसकी विड्थ इतनी है और कटिंग एज इसकी बड़ी है, तो ये ऑर्थोगोनल कटिंग कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक चीज़ और है, विड्थ ऑफ वर्क पीस इज मच ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ कट। हाँ, जो वर्क पीस का जो विड्थ होना चाहिए वो डेप्थ ऑफ कट से भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सपोज डेप्थ ऑफ कट आपका 1 mm है, तो आपका जो वर्क पीस होना चाहिए वो कम से कम 20 mm, 30 mm, ठीक है 50 mm, इस तरह से हो, और इसका डेप्थ ऑफ कट 1 mm, 0.5 mm, इस तरह होना चाहिए। फिर जो कटिंग फोर्स उसमें 2D में होना चाहिए, 3D में नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि दो ही डायरेक्शन में फोर्स होने चाहिए, अगर 3D में आ रहा है तो वो ऑर्थोगोनल कटिंग नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, कटिंग फोर्स जो होने चाहिए वो केवल दो डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी ये 2D होना चाहिए, मतलब एक ही बात है। नेक्स्ट, इसके एग्जांपल्स अब देखो, आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे लगेंगे जो ऑर्थोगोनल कटिंग है, जैसे शेपिंग, प्लेनिंग, प्लेनर जो हम यूज़ करते हैं, मतलब स्लॉटिंग, ग्रॉसिंग, ये आपको लगेगा कि ऑर्थोगोनल है, लेकिन ये ऑर्थोगोनल नहीं है, ये आपके ऑब्लिक कटिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपको लग रहा है कि ये ऑर्थोगोनल है लेकिन ऑब्लिक कटिंग, इसलिए क्योंकि इसका जो कटिंग टूल होता है ना, उस कटिंग टूल का जो एज होता है उससे बड़ा ही हमारा वर्क पीस होता है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑर्थोगोनल नहीं कहलाता है। अब देखो, मेटल कटिंग के टाइम पे अगर आपने कटिंग स्पीड इंक्रीज कर दी है, ठीक है, सपोज आपका 500 RPM पे चल रहा है, अभी आपने इंक्रीज करके इसे 700 RPM कर दिया है। RPM इंक्रीज करने से पावर कंजम्पशन इंक्रीज होगा, हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन जो कटिंग फोर्स है वो आपका सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर स्लाइटली रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उस पर। नेक्स्ट है ज्योमेट्री, जो कि मेन कंसर्न एरिया हमारा इसमें, क्योंकि इसी पे हमारा सारा टूल का डेफिनेशन हमारा तय होता है कि टूल हमारा कैसा होना चाहिए। तो देखो, पहले तो कितने टाइप के कटिंग टूल होते हैं वो देखो, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होंगे, जैसे कि हमारा टर्निंग, शेपिंग, प्लेनिंग, स्लॉटिंग, पार्टिंग टूल, ये सब यूज होता है, वो सिंगल पॉइंट है। डबल पॉइंट कटिंग टूल, ड्रिलिंग मशीन हमारा डबल पॉइंट कटिंग टूल। नेक्स्ट है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, जैसे हमारा मिलिंग हो गया, मिलिंग मशीन में जो हमारा कटिंग टूल यूज होता है, ब्रोसिंग हो गया, हॉबिंग हो गया, हॉबिंग टूल, या हैक्सो हो गया, हैक्सो जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील हो गया, ग्राइंडिंग व्हील में जितने भी ग्रेन्स होते हैं, सारा ग्रेन्स एक ही ग्रेन्स एक कटिंग टूल की जैसा बिहेव करता है, तो ये भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। अब हम लोग सिस्टम पे डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के सिस्टम होते हैं टूल को डिफाइन करने के लिए। पहले आपका मशीन रेफरेंस सिस्टम, टूल रेफरेंस सिस्टम और वर्क रेफरेंस सिस्टम। तो इसमें हम लोग ASA है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ORS है, ठीक है, NRS है, ये आपका ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम, नॉर्मल रेक सिस्टम और ये वर्क रेफरेंस सिस्टम। तो हम लोग वन बाय वन करके इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मशीन रेफरेंस सिस्टम, या फिर ASA, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें मैंने एक तो ये हमारा रॉ टूल है, ठीक है, अब इस टूल में ये हमारा सैंक है, या फिर इसे बॉडी भी बोल सकते हो आप, ये सैंक है, या फिर इसे लेंथ भी बोल सकते हो टूल का, ये आपका विड्थ है टूल का, विड्थ वाला डायरेक्शन है, ये आपका कटिंग एज है, इसमें दो कटिंग एज होते हैं, प्राइमरी और ऑक्सिलरी कटिंग एज। अब इसमें हमने तीन प्लेन पर डिफाइड इसे कट कर दिया, मतलब एक एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। तो सपोज एक प्लेन ये हमारा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला प्लेन कैसा है देखो, ये आपका विड्थ है, विड्थ के पैरेलल है प्लेन, और जो आपका बेस है बेस के परपेंडिकुलर है, तो इसे हम लोग परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू विड्थ ऑफ सैंक, तो उसके अगर अबाउट इसे कट करेंगे तो उससे हमें दो एंगल मिलेंगे, साइड रेक एंगल और साइड रिलीफ एंगल। हम इन दोनों एंगल के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया साइड रिलीफ एंगल, जिसे गामा एस से डिनोट किया, और ये साइड रेक एंगल अल्फा एस से। नेक्स्ट आपका है इस प्लेन के अबाउट, मतलब जो बेस आपका बेस के पैरेलल वाला प्लेन है उसके अबाउट इसे कट कर रहे हैं, तो उससे हमारा इस तरह का 2D फिगर आएगा, वहाँ से एंड कटिंग एज एंगल CE और साइड कटिंग एज एंगल CS हमें मिलेगा। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट आपका थर्ड प्लेन है आपका परपेंडिकुलर टू बेस और पैरेलल टू लेंथ, ये आपका लेंथ है, अभी मैंने बताया था, लेंथ के पैरेलल है प्लेन, उसके अबाउट कट करेंगे तो इस तरह का कुछ फिगर आएगा, बैक रेक एंगल और एंड रिलीफ एंगल, जिसे गामा इसे डिनोट कर रहे हैं और इसे अल्फा बी से, ये परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू लेंथ होगा। ठीक है, अब वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं बैक रेक एंगल क्या होता है। ये आपका एंगल है जो फेस आपका रेक फेस और टूल का और आपका जो बेस है सैंक का उसके बीच का जो एंगल है वो, अब इससे हम लोग मेजर करते हैं परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू लेंथ ऑफ द टूल। ये भी प्लेन अभी मैंने आपको बताया, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये होता है कि ये एबिलिटी, इट अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ टूल टू सीयर द वर्क मटेरियल एंड फॉर्म द चिप। तो जितना एंगल ये ज़्यादा या कम होगा उसके बेसिस पे सीयर फोर्स हमारा कितना टूल पे लग रहा है और चिप कितने तरीके, मतलब किस फॉर्म में चिप निकलेगा, किसका लेंथ ज़्यादा होगी, उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, उस पर ये डिपेंड करेगा बैक रेक एंगल हमारा, चिप का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा वो सब डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो टर्निंग मशीन, हम लोग जो टर्निंग ऑपरेशन करते हैं लेंथ में, उससे पॉजिटिव बैक रेक एंगल यूज़ करते हैं, तो उसमें चिप जो होता है वो मशीन सरफेस से दूर जाता है, लेकिन अगर हम लोग नेगेटिव बैक रेक एंगल यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, चिप को सीधा मशीन सरफेस की तरफ डायरेक्ट करेगा, तो वो हमारा ब्रिटल मटेरियल में तो चलेगा लेकिन डक्टाइल में नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो चिपक जाएगा फिर ज़्यादा हीट होने की वजह से।
नेक्स्ट है साइड रेक एंगल, या फिर इसे एक्सियल रेक भी बोलते हैं। तो ये एंगल किसके किसके बीच है, ये फेस ऑफ द टूल एंड बेस ऑफ द सेंक, ठीक है, उसके बीच का ये एंगल है। इसे आप इस फिगर में भी देख सकते हो, अल्फा एस आपका ये हो गया साइड रेक एंगल, ये आपका ये हो गया आपका साइड रेक, ये रेक फेस हो गया और ये आपका बेस हो गया, उस दोनों के बीच। और किस किस प्लेन में ये मेजर किया हुआ, ये परपेंडिकुलर टू बेस और पैरेलल टू विड्थ ऑफ द सैंक, यानी ये वाला फिगर परपेंडिकुलर टू बेस और पैरेलल टू विड्थ ऑफ द सैंक, ये आपका विड्थ और ये उसके पैरेलल वाला प्लेन है। तो वहाँ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इसको अगर इंक्रीज करेंगे साइड रेक एंगल को, तो ये चिप के थिकनेस को रिड्यूस करेगा। अब ये अल्फा एस चिप के थिकनेस को कैसे रिड्यूस करता है, इसका क्या रिलेशन है, ये हम लोग आगे देखेंगे। एक फार्मूला आता है, मर्चेंट्स फार्मूला आता है, उससे भी हम लोग पता चल जाएगा कि साइड रेक एंगल चिप थिकनेस को कैसे इफेक्ट करता है। साइड रेक एंगल आपका सीयर एंगल को इफेक्ट करता है, और सीयर एंगल से फिर चिप टूल आपका चिप का थिकनेस आपका डिपेंड करता है, वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अभी आपको मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसके बाद फिर हम लोग डिटेल में थोड़ा जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है एंड रिलीफ एंगल। ये एंगल आपका है पोर्शन ऑफ द एंड फ्लैंक, जो आपका एंड फ्लैंक का जो पोर्शन है उसके बीच का, और जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है कटिंग एज के परपेंडिकुलर टू द बेस, उसके बीच का एंगल है ये, ठीक है। तो इसे हम लोग मेजर करते हैं किस प्लेन में, वो प्लेन दे रखा है परपेंडिकुलर टू फ्लैंक, और जिस प्लेन में हमने मेजर किया। और इस एंगल, ये एंगल यूज होता है आपका, जो मैंने अभी रैक रिलीफ एंगल के बारे में अभी आपको बताया था कि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन रिड्यूस किया मतलब उसके बीच से कॉन्टैक्ट को दूर करने के लिए, ताकि जितना कम कॉन्टैक्ट होगा फ्रिक्शन उतना कम होगा, रबिंग उतनी कम होगी, और रबिंग जितना कम होगा टूल की लाइफ उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये एंड रिलीफ एंगल हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल हमारा होता है कि साइड फ्लैंक जो होता है, जो साइड कटिंग एज एंगल के नीचे होता है उसके बीच का एंगल, और जो लाइन ड्रॉ की हुई है कटिंग एज परपेंडिकुलर टू बेस, उन दोनों के बीच का ये एंगल होता है, ठीक है। और ऐसे हम लोग मेजर करते हैं किस प्लेन में, तो परपेंडिकुलर टू द साइड फ्लैंक, तो साइड फ्लैंक का परपेंडिकुलर वाले प्लेन में। तो ये आप देख लो इस फिगर में कहाँ पर है आपका, ये रहा आपका साइड रिलीफ एंगल का मैच, ठीक है। तो ये किस प्लेन में मेजर किया हुआ, परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू विड्थ ऑफ सैंक, ये देखो ये आपका विड्थ ऑफ सैंक है और ये परपेंडिकुलर टू बेस, उसके बीच का एंगल को, उसके बीच के प्लेन में ये मेजर किया हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है एंड कटिंग एज एंगल सीई, ठीक है। तो इसे हम लोग मेजर करते हैं, देख लो सीई कहाँ से हमने मेजर किया है, ये आपका हो गया सीई, ये आपका पैरेलल टू बेस, बेस के पैरेलल में जो प्लेन हमने ड्रॉ किया है वहाँ से हमारा एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल दोनों आते हैं। एंड कटिंग एज एंगल के बारे में क्या हम लोग, क्या उसका क्राइटेरिया या फिर क्या उसका प्रॉफिट है हमारा, वो देख लो। ये क्या करता है कि जो टूल को अगर बहुत ज़्यादा दे दोगे साइड कटिंग एज एंगल, तो वो टूल को कमज़ोर बना देगा। अब क्या करता है वो देखो, इसको डिटेल में देखते हैं। ये इज अमाउंट दैट दिस एंगल इज द अमाउंट दैट द एंड कटिंग एज स्लोप अवे फ्रॉम द नोज ऑफ द टूल। ये आपका देखो, ये आपका नोज ऑफ द टूल है, ठीक है। इससे आपका ये मशीन्ड सर्फेस हो गया, ये आपका जो वर्क पीस का मशीन सर्फेस ऑलरेडी मशीन हो चुका है, उससे जितना ज़्यादा जा रहा है वो आपका एंड कटिंग एज एंगल है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो आपका मशीन सरफेस है उसके बीच में कांटेक्ट को अवॉइड करेगा, और उस कांटेक्ट के अवॉइड करने की वजह से आपका जो सरफेस फिनिश है वर्क पीस का वो ज़्यादा अच्छा आएगा, और इसमें चैटरिंग नहीं होगी या फिर इसमें रबिंग नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरह से ये क्लियरेंस एंगल का काम कर रहा है, जो हम लोग क्लियरेंस एंगल जनरली यूज करते हैं उसका ये काम कर रहा है। तो देखो, ये इट प्रिवेंट्स द ट्रेलिंग एंड ऑफ द कटिंग एज ऑफ द टूल फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट द वर्क पीस, तो रबिंग से आपको बचाएगा ताकि आपका इसमें सरफेस फिनिश अच्छा आ जाए। बहुत ज़्यादा अगर आपने कटिंग एज एंगल दे दिया तो टूल को कमज़ोर बना देगा, ऑब्वियस बात है टूल को कमज़ोर बनाएगा, क्योंकि इसमें मटेरियल कम होता जाएगा ना। अब देखो, किसी भी एंगल को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा दोगे ना, तो अब जैसे ये एंगल इतना है तो आपका मटेरियल भी इतना है, अभी एंगल मैंने इतना बढ़ा दिया तो मटेरियल आपका इतना ही रह गया, इतना मटेरियल तो खत्म हो गया ना, तो इस मटेरियल का स्ट्रेंथ तो जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए टूल को कमज़ोर बना देता है। अब इस एंगल को हम लोग 8 से 15 डिग्री के बीच में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल आने वाला है, हाँ, साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इससे हमारा बहुत सारा पैरामीटर डिफाइंड होता है, ठीक है। किस जगह पर हमें किस तरह का एंगल यूज़ करने हैं, और ये किस तरह से हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है, किस तरह से नेगेटिव हो सकता है, वो हम देखते हैं। ये एंगल आपका जो प्रिवेंट करता है इंटरफेरेंस ऑफ द टूल इंटर्स द वर्क मटेरियल, देखिए ये आपका एक केस ये है और दूसरा केस ये है। इसमें हमने साइड कटिंग एज एंगल दे रखा है थोड़ा सा, और इसमें हमने जीरो दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो इसमें देखो, ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है यहाँ, तो चिप का थिकनेस तो यहाँ कम होगा, ठीक है। यहाँ पर जो चिप का थिकनेस सपोज आ रहा है वो कम है, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एरिया डायरेक्ट हिट करेगा, और डायरेक्ट हिट करने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसको हम लोग एंगल जो है 15 से 30 डिग्री के बीच में रखते हैं। और देखो, अगर ये एंगल हमने ज़्यादा रखा है, जीरो से ज़्यादा रखा है, तो जितना ज़्यादा एंगल बढ़ाते जाएंगे लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है।
लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ता जाएगा तो चिप जो आएगा वो आपकी लेंथ, चिप की विड्थ जो होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन वो काफ़ी थिनर होगा, ठीक है। चिप का जो थिकनेस होगा ना वो काफ़ी कम होता जाएगा। जैसे देखो इस केस में क्या होगा, चिप ये डेप्थ ऑफ कट, सॉरी ये चिप का थिकनेस मैंने बोल दिया, डेप्थ ऑफ कट होगा, डेप्थ ऑफ कट आपका कम है लेकिन चिप का जो थिकनेस है वो ज़्यादा है। इस केस में क्या है, डेप्थ ऑफ कट तो आपका कम है, इसको अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये डेप्थ ऑफ कट और ये डेप्थ ऑफ कट में ये आपका डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ डेप्थ ऑफ कट कम है लेकिन लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, और इसकी वजह से जो लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट है वॉल्यूम तो आपका ऑलरेडी कॉन्स्टेंट रहना है, तो इसकी वजह से क्या होगा आपका जो चिप का जो थिकनेस होगा वो काफ़ी कम होगा, काफ़ी थिनर चिप निकलेगा, ठीक है। तो लार्जर दिस एंगल द ग्रेटर द कंपोनेंट ऑफ फोर्स टेंडिंग टू सेपरेट द वर्क एंड टूल। अब ये कौन सा फोर्स है जो सेपरेट कर रहा है, इसे हम लोग थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। अब थ्रस्ट फोर्स कैसे डिपेंड है इस एंगल पे वो भी हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इसमें चैटर इंड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो इस चैटर को अवॉइड करने के लिए हम लोग इस एंगल को बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, 15 से 30 के बीच में मेंटेन रखते हैं, लेकिन इसके वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो इसके साथ क्या होगा कि इसका लेंथ कॉन्टैक्ट जो होगा वो इंक्रीज होगा, या फिर उसे लेंथ इन एक्शन भी बोलते हैं, जो लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट है इसे लेंथ इन एक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये लेंथ आपके एक्शन में आ रहा है टूल और वर्क पीस के बीच में, ठीक है। तो इसमें डेप्थ ऑफ कट आपका अगर डिफाइन कर दो एक, तो उसके केस में ये लेंथ ऑफ एक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा जितना ज़्यादा आप एंगल को इंक्रीज करते जाओगे। इससे क्या होगा, अगर इतना ज़्यादा एंगल बढ़ गया तो जो चिप निकलेगा वो थीनर चिप निकलेगा और वाइडर चिप प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो एक तरह से हेल्प करता है आपका एनर्जी को डिसिपेट करने में। जो हीट आपका प्रोड्यूस होगा वो जितना ज़्यादा वाइडर चिप होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उतनी ज़्यादा एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, ठीक है। तो इससे टूल की लाइफ इंक्रीज हो जाती है। अगर जीरो साइड कटिंग एज एंगल लोगे तो वो हमारा डिजायरेबल कब होता है, जब कास्टिंग वाले या फोर्जिंग वाले मटेरियल जिसमें आपका ऊपर स्केल जमा हो जाता है, स्केल मतलब जो हार्ड और स्केली स्किन्स होते हैं जो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, जैसे इसे हमने फोर्जिंग किया, ठीक है, या कास्टिंग किया, तो ये ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट करने से इसके जो बाहर के सर्फेस उस पर स्केल्स जमा हो जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल होते हैं और हार्ड होते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग जीरो साइड कटिंग एज एंगल का यूज़ करते हैं, ताकि ये तो धड़ाधड़ करके इसको मारता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। तो मतलब एक तरह से ये डिस्ट्रक्टिव या बोलो ब्रिटल टाइप का जो फ्रैक्चर वाला फोर्स होगा वो इस पर देगा, फ्रैक्चर फेल्योर करवाएगा इस मटेरियल का। तो ये ब्रिटल मटेरियल तो हम लोग फ्रैक्चर से ही हटता है मटेरियल, फ्रैक्चर मतलब फ्रैक्चर करते हुए इस मटेरियल को हम लोग हटा सकते हैं, ब्रिटल मटेरियल को। जो डक्टाइल होता है वो हमारा चिप के थ्रू फ्लो होता हुआ निकलता है, लेकिन ब्रिटल तो हमारा फ्रैक्चर फेल्योर की वजह से निकलता है। तो उस केस में हम लोग साइड कटिंग एज एंगल जो है वो जीरो यूज करते हैं, जो हमारा स्केली स्किन है उसको हटाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग साइड कटिंग एंगल का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो इसका कटिंग फोर्स पे सबसे पहले कोई यूज नहीं है, कटिंग पावर कंजप्शन पे कोई इसका लेना देना नहीं है। अगर आप साइड कटिंग एज एंगल को बढ़ाओगे या घटाओगे उससे कटिंग फोर्स पे आपका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थ्रस्ट फोर्स, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो सेपरेट करता है वर्क और टूल को, तो उसमें क्या है थ्रस्ट फोर्स आपका बढ़ता जाएगा। देखो जितना ज़्यादा आप साइड कटिंग एज एंगल बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा आपका साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी एफ वाई की वैल्यू आएगी, और ये थ्रस्ट फोर्स जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा वो दोनों को सेपरेट करता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सियल फोर्स या फीड फोर्स, तो इसमें आपका कॉस का टर्म आ रहा है, तो इसमें अगर आपने एंगल बढ़ा दिया तो आपका एक्सियल फीड फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है ये साइड कटिंग एज एंगल, तो एक्सियल फोर्स आपका बहुत डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे डेप्थ ऑफ कट देने में, यानी एक्सियल या फीड फोर्स प्रोवाइड कराने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो वो हो गया। नेक्स्ट आपका साइड कटिंग एज एंगल और लीड एंगल के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो लीड एंगल कब आता है, जब आपका ऑपरेशन चल रहा हो, मतलब कि जब आपका मशीनिंग चल रहा हो, जब मशीनिंग चल रहा हो तो देखो इस केस में तो सिंपल आपका साइड कटिंग एज एंगल और लीड एंगल दोनों सेम है। तो लीड एंगल क्या होता है कि आपका जो वर्क जो टूल है वर्कपीस का परपेंडिकुलर जो वर्कपीस का परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है उसके वो प्लेन आपको लेना है, और जो आपका एज का प्लेन है वो प्लेन लेना है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो लीड एंगल होगा। आप इसको दूसरे एग्जांपल के फॉर्म में देखो, यहाँ पर हमने टूल को थोड़ा टिल्ट कर दिया, तो यहाँ पर साइड कटिंग एज एंगल, देखो आपका साइड कटिंग एज एंगल होगा जो टूल की बॉडी और उसके कटिंग एज के बीच का एंगल होगा वो, लेकिन लीड एंगल क्या होगा जिस डायरेक्शन में ये टूल रोटेट कर रहा है, ये तो रोटेट करेगा ना टूल, तो इस प्लेन को लेना है और इस कटिंग एज का एंगल लेना है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो लीड एंगल कहलाएगा। इस केस में लीड एंगल बराबर है, इस केस में लीड एंगल कम है साइड कटिंग एज एंगल से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लीप एंगल पे, लीप एंगल क्या है वो देख लेते हैं। लीप एंगल क्या है कि आपका जो भी मैंने आपको बताया, लीप एंगल आपका डिफाइन करता है टूल की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो टूल की स्ट्रेंथ डिफाइन करेगा उसको हम लोग वेज एंगल भी बोलते हैं, नाइफ एंगल भी बोलते हैं, या कटिंग एंगल भी बोलते हैं। ये आपका जैसे सपोज टूल है तो ये आपका जो एंगल कहलाएगा ये लीप एंगल कहलाएगा, जिसे हम लोग साइज से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लीप एंगल जो डिपेंड करेगा रेक और क्लियरेंस एंगल पे, और ये आपका डिटरमाइन करेगा स्ट्रेंथ ऑफ कटिंग एज, जितना ज़्यादा लीप एंगल होगा उतना ज़्यादा कटिंग एज का स्ट्रेंथ होगा।
तो इसमें क्या होता है कि लार्जर लीप एंगल, अगर लीप एंगल आपका बहुत ज़्यादा है तो ये मशीन कर सकते हैं, इसे हम लोग हार्ड मेटल को या फिर ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट देना उस केस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेंथ की बात होती है ना, तो स्ट्रेंथ आपका टूल का ही देखेंगे, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा हम हार्ड मटेरियल को मशीन कर सकते हैं, और फिर बेटर हीट डिसिपेशन भी होगा, क्योंकि क्योंकि लीप एंगल ज़्यादा है तो ज़्यादा मटेरियल में ये हीट का डिसिपेशन हो सकता है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी मटेरियल के, तो उसमें ईजिली हीट डिसिपेट हो सकता है, और ये टूल लाइफ को इंक्रीज भी करती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नोज रेडियस पे। तो नोज रेडियस क्या होता है, देखो ये आपका कटिंग टूल है सपोज, ठीक है, अब कटिंग टूल में ये आपका यहाँ पे एज है, अगर ये काफ़ी शार्प एज है तो शार्प एज अगर दोगे तो आपका कटिंग फोर्स कम लगेगा, आप इजीली पेनेट्रेट करते हुए इजीली मशीनिंग कर सकते हो, लेकिन जो आपका सरफेस फिनिश होगा वो उतना अच्छा नहीं आएगा, सरफेस फिनिश आपका तब अच्छा आएगा जब आप रेडियस इसमें कुछ कर्वेचर दोगे, तो ये आपका सिंपल डिफाइंड है, इट इज़ कर्वेचर ऑफ द टूल टिप, और ये इट स्ट्रेंथेन द टूल नोज बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसेंट्रेशन। बिल्कुल सही, देखो जितना ज़्यादा आपका ये नोज आपका जितना शार्प रहेगा, इसका रेडियस जितना जीरो की तरफ टेंडेंसी इसकी ज़्यादा रहेगी, उतना ज़्यादा स्ट्रेस कंसेंट्रेशन यहाँ हो सकता है। आप देखो ना, बहुत ज़्यादा अगर आप किसी नाइफ को बहुत ज़्यादा शार्प कर देते हो तो इसकी टिप जो होती है बहुत जल्दी टूट जाती है, ठीक है, तो ये टूट कर क्यों जाती है, क्योंकि वहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको मशीन डिजाइन में बहुत अच्छे से एलोबरेट करके बताऊंगा। तो इससे क्या होता है, सरफेस फिनिश नोज रेडियस अगर आपका ज़्यादा है तो सरफेस फिनिश ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला देखा होगा एच इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई 8 आर, तो यहाँ आर आपका नोज रेडियस है, नोज रेडियस जितना ज़्यादा होगा आपकी रफनेस उतनी कम होगी, रफनेस कम होगी यानी कि सरफेस फिनिश ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, रफनेस कम होगी तो सरफेस फिनिश ज़्यादा अच्छा होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा नोज रेडियस दे देते हैं तो ये चैटर इंड्यूस कर सकता है, चैटर यानी कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फिर इंड्यूस करने लगेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कम करने के लिए एक एक पार्टिकुलर अमाउंट तक ये लिमिट है इसकी, कि यहाँ सपोज एक लिमिट हो गई कि हमने आपको इंच में या एमएम में कुछ भी डिफाइन कर दो कि 1 mm से लेकर के 2 mm तक हमने रेडियस इसकी देनी है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं देना है, तो उसके अंदर में फिर वो चैटरिंग जो होगी वो इंड्यूस नहीं होगी, उससे बाहर करोगे तो इंड्यूस हो जाएगी बहुत ज़्यादा अगर रेडियस दोगे तो। ये क्या करता है, अगर नोज रेडियस आप बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो कटिंग फोर्स और कटिंग पावर जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो देखो जितनी शार्प एज रहेगी तो इजीली कटेगा, आप देख सकते हो चाकू घर में लेके आओगे तो आलू जितना ज़्यादा शार्प एज रहेगा चाकू में आलू उतना इजीली कट जाएगा, शार्प एज नहीं रहेगा तो उतना मुश्किल से कटेगा, तो पावर कंजम्पशन तो कम हो जाए इंक्रीज हो जाएगी जितनी ज़्यादा रेडियस बढ़ाओगे, क्योंकि रेडियस बढ़ाते जाओगे तो इसकी जो शार्पनेस है वो कम होती जाएगी तो पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, लेकिन ये टूल लाइफ भी इंक्रीज करता है, क्योंकि टूल देखो अगर बहुत ज़्यादा शार्प है तो ब्रेक हो सकता है इसका टिप, तो अगर शार्प नहीं है आपने कुछ रेडियस प्रोवाइड करा दिया तो ऑब्वियसली बात है टूल की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, टूल की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ASA सिस्टम जो है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, इसमें आपका टूल डेजिग्नेशन क्या होता है या टूल सिग्नेचर क्या होता है, ये आपका अल्फा बी यानी कि बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल और रेडियस नोज रेडियस। अब यहाँ एक चीज़ देखो, साइड वाला टर्म यहाँ आ रहा है, साइड वाला यहाँ आ रहा है, साइड वाला यहाँ आ रहा है, मतलब जो साइड एंगल है, साइड रिलीफ एंगल हो या साइड रेक एंगल हो, साइड रेक एंगल हो या साइड रिलीफ एंगल हो या साइड कटिंग एज एंगल हो, वो हमेशा सेकेंड टर्म में आ रहा है, तो इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मैंने ऐसे याद किया था, रेक रिलीफ कटिंग एज, ये हो गया आपका रेक पूरा, ये हो गया रिलीफ और ये कटिंग एज, और साइड वाला जो आएगा वो बाद में आएगा, ऐसे मैंने याद किया था, ठीक है। और इसकी जो रेडियस होती है नोज रेडियस वो हमेशा इंच में होती है, याद रखना, एमएम में दूसरे सिस्टम की एमएम में होगी मिलीमीटर में, लेकिन ASA सिस्टम की इंच में होगी। अब देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज में या गेट में बहुत सारे, आप पिछले साल के क्वेश्चन उठा के देख लो, पिछले 10-15 साल के भरपूर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको पूरा सिस्टम दे रखा होगा कि एक टूल सिग्नेचर दे रखा है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन या ASA के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका 5 डिग्री ऐसे करके आपको सिंपल दे देगा, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 1, 2, 3, 4, 5, देन 25 डिग्री, 6 और एक दे देगा 0.2, बस ये दे देगा आपको। अब बोलेगा इसमें कि आप एंड कटिंग एज एंगल बताओ कितनी है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि किस सीक्वेंस में लगा के रखा है जिन्होंने डिफाइन किया है, तो आपको एंड कटिंग एज एंगल कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है यानी कि लास्ट से थर्ड नंबर पे, तो 1, 2, 3, तो ये आपका 20 डिग्री आपका एंड कटिंग एज एंगल हो जाएगा। अब इसको याद रखने का तरीका आप अपने तरीके से निकाल सकते हो, या मैंने जो तरीका निकाला उससे भी यूज़ कर सकते हो, रेक रिलीफ कटिंग एज और साइड विल कम लास्ट, ठीक है, यानी कि साइड वाला बाद में आएगा सबके, और रेक एंगल पहले आएगा, रिलीफ एंगल बाद में आएगा, और साइड कटिंग एज एंगल कटिंग एज एंगल फिर लास्ट में आएगा, उसके बाद फिर आपका नोज रेडियस आएगा इंच में। तो ये पार्ट तो अभी
मैं यहीं तक इसे रोकता हूँ इस वीडियो को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है तो वो एक वीडियो और लग जाएगा इसका। तो सेकंड पार्ट में मैं इस मेटल कटिंग चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, पार्ट टू में। ये पार्ट वन इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दूसरे लोगों को, ताकि हेल्प मिल सके। शेयर भी किया कीजिए ताकि और लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का या गेट का, उन लोगों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो जो भी चीज़ें अच्छी लगती है कम से कम शेयर किया कीजिए बाकी लोगों के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा, कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि क्या इंप्रूव करना है, मैं उसे जरूर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।